पुष्पा 2 के टीजर के साथ ही लीक हो चुकी है पूरी मूवी की स्टोरी। पुष्पा 2 के स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा कि तिरुपति के जेल में पुष्पा कैद है और उसके ऊपर बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा है, और ये टॉर्चर करने वाला कोई और नहीं बल्कि पुष्पा 2 के विलेन यानी कि पुष्पा का बनाया हुआ पुराना दुश्मन पुलिस ऑफिसर शेखावत ही है, जो पुष्पा के जेल में होने का नाजायज फायदा उठाते हुए उसकी बीवी रश्मिका के साथ जबरदस्ती गंदा काम करता है। और उसके साथ जॉली रेड्डी भी मिला हुआ है, जो कि पुष्पा से अपना पुराना हिसाब चुकाना चाहता है और इसीलिए शिवल्ली को बेरहमी से मार डालता है। पुष्पा का भरोसेमंद आदमी और उसका राइट हैंड केसावा भी स्वार्थ के लिए मेल की नौकरी छोड़कर पुष्पा से हाथ मिलाया था। माना जाता है कि इसी स्वार्थ के कारण केसवा शेखावत के सामने पुष्पा के सारे पोल खोल देता है, जिससे कि पुष्पा को पूरी तरह से मिटा दिया जाए और केसवा लाल चंदन का डीलर बन सके और अपनी हुकूमत चला सके। ये बात जब पुष्पा के कानों में आती है तो वो जेल तोड़कर भाग जाता है, और जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो वो पुष्पा का पीछा करने लगती है और उसको पकड़ने के लिए गोलियां चलाने लगती है। लेकिन पुष्पा किसी तरह से भागकर रात के अंधेरे में शेरशालम के जंगल के अंदर छुप जाता है और पुलिस उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है। उस रात उन्हें पुष्पा की बॉडी जंगल में कहीं नहीं मिलती है। फिर अगले दिन पुलिस ने शेरशालम के जंगल में पुष्पा को ढूंढने के लिए स्पेशल फोर्स भेजी, तो ढूंढते ढूंढते उन्हें भागकर बेट की पहाड़ियों पर पुष्पा का खून से लथपथ शर्ट मिलता है, जिस पर 8 गोलियों के निशान थे। पुष्पा की बॉडी नहीं मिलने पर पुलिस ने पुष्पा को डेड घोषित कर दिया। खबर टीवी पर आते ही पुष्पा के समर्थकों ने चारों तरफ आंदोलन चालू कर दिया और चित्तूर तिरुपति जैसे इलाकों में दंगे छिड़ गए। इसके साथ ही अनामाया जैसे और शहरों में पुष्पा के समर्थकों ने बुरी तरह से तोड़फोड़ भी करनी शुरू कर दी। हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतर आए और गुस्से से दुकानें और गाड़ियां तक तोड़ डाली। पुलिस के खिलाफ विद्रोह करना भी शुरू कर दिया। पुष्पा के समर्थकों का ये कहना था कि लाल चंदन के 2 नंबरी धंधे से वो खुद ऐश और आराम की जिंदगी नहीं जीता था, बल्कि पुष्पा गांव के गरीबों की मदद करता था, सब गरीबों को खाना खिलाता था। उनके मुताबिक वो कोई भगवान से कम नहीं था। ऐसे चलते हुए करीब 1 महीना बीत गया, लेकिन लोगों ने दंगे जारी रखे। कईयों का मानना था कि शायद पुष्पा जापान या मलेशिया चला गया है, और कुछ लोगों का मानना था कि पुलिस ने पुष्पा को छिपा कर रखा है। अचानक से एक दिन एक न्यूज चैनल की सीसीटीवी फुटेज में पुष्पा खुद को सबके सामने लाता है। फुटेज में उसके चेहरे पर गुस्सा और फेमस डायलॉग झुकेगा नहीं साला ये देखने को मिलता है। उसको देखकर उसके सब चाहने वाले बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर पुष्पा इतने दिनों से कहां गायब था। कई जानकारों के मुताबिक ये सुनने को मिल रहा है कि केजीएफ के रॉक स्टार यश भी पुष्पा 2 में दिखने वाले हैं। दरअसल पुष्पा जब पुलिस से भागकर सब कुछ खोकर शेरशालम के जंगल में गायब हो जाता है, तब जंगल में ही सभी से छिपकर अपनी कलाकारी से चाइना मलेशिया जापान जैसे देशों के लाल चंदन के स्मगलर से डील करके भारी रकम मुनाफा कमाता है, और इसमें वो लाल चंदन की लकड़ियों को एक्सपोर्ट करने के लिए समंदर के पानी में बहाकर ट्रांसपोर्ट करता है। इसी दौरान पुष्पा को केजीएफ स्टार रॉकी भाई मिल जाता है, जो केजीएफ चैप्टर 2 के एंडिंग में समुद्र से सोने से लदा जहाज लेकर डूब जाता है। इसके बदले रॉकी भाई पुष्पा को हर वो मदद करते हैं जो पुष्पा को जरूरत है, जिससे पुष्पा और रॉकी भाई की दोस्ती मजबूत हो जाती है। जहाँ तक देखा जाए कि पुष्पा और रॉकी भाई की बैकग्राउंड स्टोरी सेम ही है। दोनों ही गरीब मजदूर से बहुत ही कीमती चीज सोना और लाल चंदन की स्मगलिंग करके पावरफुल आदमी बनके पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं, जिससे दोनों के ही दुश्मनों की लिस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। और दोनों के ही कैरेक्टर में माँ से जुड़े इमोशन को बड़ा ही जबरदस्त दिखाते हैं, और दोनों ही कैरेक्टर में दुश्मनों ने हीरोइन को मार दिया। दरअसल पुष्पा पार्ट 1 में पुष्पाराज ने जॉली रेड्डी, शेनू गैंग और आईपीएस शेखावत से दुश्मनी मोड़ ली थी, और पुष्पा 2 में उन लोगों ने पुष्पा से बदला लेने के लिए उससे उसका सब कुछ छीन लिया। पुष्पा 2 में हमें ये देखने को मिलेगा कि रॉकी भाई को कैसे मिली मदद, और पुष्पा का मैन पावर से वो और भी स्ट्रांग बनकर इंडिया वापस लौटते हैं, जिससे कि दुश्मनों से जंग छोड़कर पुष्पा अपने मकसद को पूरा कर सके और इंडिया में रूल कर सके। इसके लिए पुष्पा 2 के 3 मिनट्स की टीजर के लास्ट में हमें पुष्पा पुलिस स्टेशन में बैठे एक डायलॉग देते दिखाई देते हैं। अब रोल पुष्पा का, मतलब कि अब पूरे इंडिया का चंदन के एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का सरताज बन चुका है पुष्पा। पुष्पा और उसके साथ आने वाले समय में नई नई चुनौतियां और दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पुष्पा को पूरे वर्ल्ड का चंदन इंडस्ट्री का सरताज बनना है। पुष्पाराज का असली मकसद जो अभी बाकी है, जिसकी स्टोरी शायद आने वाले समय में पुष्पा 3 में हमें देखने को मिल जाएगी।